नमस्कार, न्यूज फॉर यू में आपका स्वागत है। गुड़गांव के स्वतंत्रता सेनानी भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट पर चर्चा विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पूरे हरियाणा से पहुंचे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना, उनके सुझावों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर करनाल के एमपी संजय भाटिया, शिव कुमार जैन, रश्मि नेत्रपाल तथा गुड़गांव के विधायक सुधीर सिंगला, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान आदि उपस्थित थे। बातें मुझे आपके साथ जरूर करनी है। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक विषय था कि जैसे अभी रश्मि जी ने बताया, मैं खुद भी कल पढ़ रहा था, जो हमारे प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनने अपने अभिभाषण में यहाँ पे कहा था कि बजट के पहले जो मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, लोगों के साथ आउटरीच करके एक चर्चा करके उसके बाद लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को समाहित करके प्रदेश का बजट बनाया है। और उसी का फल है कि मैं देख रहा था कि थोड़े बहुत कई चीजें यहाँ पे भी आए कि आज हमारे हरियाणा की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 7.75% है, राष्ट्र की नेशनल एवरेज से ऊपर है। फिर उसके साथ जो हमारी एजुकेशन सेक्टर में जो सब चाहते हैं कि मूलभूत आवश्यकता है समाज की, उसमें भी 15% का एक्सपेंडिचर का ग्रोथ हुआ है। 6% का जो नेशनल एवरेज के लिए मानते हैं कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च होना है, वो हरियाणा ने अचीव कर लिया। बिजली का दर कम किया और किसान के लिए तो बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं और इस बजट में अनाउंस की है। तो यह इसलिए संभव होता है कि जो जनता के साथ उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ जुड़ के पूरे कार्य को आगे लेते हैं। तो इस बार जो केंद्र का जो बजट बना उसपे भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज बजट के पूर्व भी हुई थी, और हमें ये जो कुछ नरेशन चल रहे हैं और उस एक्सरसाइज को तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा ही, उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी ने यह एक्सरसाइज आगे एक्सटेंशन को लेके आगे चल के सब पार्टी के पदाधिकारियों की, कई लोगों की जिम्मेदारी दी है प्रदेश की कि आप जनता तक पूरा इस बजट की बात को तो लेके जाएंगे। लेकिन अभी बजट सेशन चल रहा है, अभी बजट सेशन रिसेशन में था, मंडे से फिर से शुरू होगा। और कल ही मेरी अब अर्जुन मेघवाल जी से बात हुई, चर्चा हुई, जो कुछ लोग जो केंद्र भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के पदाधिकारी सब जगह जा रहे थे, जैसे मुझे 3 स्टेट्स कहे थे तो मैं जयपुर गया, पंजाब गया और आज हरियाणा आया हूँ। ऐसे जगह जगह पूरे देश में अलग अलग लोग गए थे और उस विषय को लेके ये जो हमारी चर्चा के बाद जो समय बातचीत निकलेगी उसको हम बजट में आगे पार्लियामेंट में, अभी क्योंकि बजट की प्रक्रिया चालू है, अभी संजय भाई साहब ने भी कहा, तो उस चीज को हम आगे लेके चर्चा करके आगे लेंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें सरकार की नीतियों को जनता के समक्ष रखा। प्रदेश का अभी बजट 28 तारीख को आया और उसके पहले केंद्र का बजट आया, उसके पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज पूरे देश में की थी, जिसमें प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी ने 13 मीटिंग अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के साथ किए, वित्त मंत्री जी ने 10 मीटिंग की और पार्टी ने भी एक वृहद एक्सरसाइज बजट के पहले आउटरीच की थी कि समाज के क्षेत्र के जो बिजनेस कम्युनिटीज़ से जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनके साथ 11 मीटिंग्स अलग अलग सेक्टोरल मीटिंग्स की थी, और उन सब के साथ जो कंसोलिडेटेडली लोगों के सजेशंस और जो सब सामने आए, जो सुझाव आए, उनको कंसोलिडेट करके वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सामने पार्टी ने भी रखा और अलग अलग लोगों ने तो रखा। उसके बाद एक वृहद एक्सरसाइज के बाद केंद्रीय बजट आया था, और इसी प्रकार यहाँ भी प्रदेश बजट में भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि ऐसी विस्तृत एक्सरसाइज प्रदेश के बजट के लिए भी की गई। जो प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में थे,
लीकेजेस थी, करप्शन था, एनपीए बहुत एक्यूमलेट हो गए थे, और उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लाना, जीएसटी, आईबीसी, ऐसे कई प्रावधान को, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अर्थव्यवस्था कब तेजी से बढ़ती है। ऐसा नहीं था कि 70 साल में या 65 साल में देश का आर्थिक विकास नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक विकास हुआ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ। और उसका एक रिपोर्ट थी, ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी 2016 में, जिसने कहा कि 58% हमारी जो नेशनल वेल्थ है वो मात्र 1% जनसंख्या के पास कॉन्सेंट्रेट हो गई थी। तो जो ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो कुछ ही लोगों तक जा रहा था। तो उस स्ट्रक्चर को ठीक करने का सरकार ने किया, और ब्लैक मनी, करप्शन, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो रियल एस्टेट में बबल बस्ट बन होता जा रहा था, उनको ठीक करने के लिए रेरा, आईबीसी, ऐसे सब कानून लाए, और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम भी आवश्यकता है। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज समाज में नहीं होगी तो उस आर्थिक विकास का हम मानते हैं कि उतना फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म और करप्शन को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें आई है, जिसको आप चाहे डिसरप्टिव पॉलिसीज भी कहें, लेकिन आने वाले समय में अब एक पूरा चैप्टर है इस बजट में जो न्यू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी, ई कॉमर्स और इन सब चीज़, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में डील कर रहा है। ये ग्लोबल डिसरप्शंस आते हैं, इसके लिए कैसे सरकार तैयार होती है, इन चीज़ों के लिए प्रावधानों को हम आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन आप विश्वास रखें, और हम पक्का कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बॉटम आउट हो गई है। हम ही नहीं कह रहे, विश्व के लोग, वर्ल्ड बैंक और IMF। और अगर FDI आप देखें, इतना भारत में FDI क्यों आ रहा है, क्योंकि पैसा आदमी वहीं लगाता है जहाँ पे उसको लगता है, विश्वास है कि उसकी अर्थव्यवस्था तेज होगी। कल की रिपोर्ट में भी अगर आप देखें, एमर्जिंग इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी की जो GDP ग्रोथ देखें, तो ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट 2.2% की है, और एमर्जिंग इकोनॉमी की काफ़ी 3 और 5, 3 के आसपास चल रही है, चाहे रशिया, टर्की, कोरिया, और उनके उसके हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था को जो हम 6% के आसपास लाने की के व्यवस्था में सोच रहे हैं इस साल एवरेज, तो वह तेज गति, मतलब बेटर है बाकी ग्लोबल कंपैरिजन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, और यह वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।